नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हीना साहब को जेडीयू अपने में शामिल कराना चाहती है। जेडीयू चाहती है कि शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हीना साहब और उनके बेटे ओसामा जेडीयू का दामन थाम ले, और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हीना साहब से संपर्क कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले दिनों ही उन्होंने फ़ोन से हीना साहब से बात की है, और इसका दावा खुद सिवान जिले के बरहरिया सीट से विधायक रहे जेडीयू के नेता श्याम बहादुर सिंह ने किया है। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से शहाबुद्दीन का निधन हुआ और उसके बाद से उनका परिवार चाहता था कि उनका शव उनके पैतृक गांव सिवान जिले में ले जाया जाए, लेकिन वहां उन्हें ले जाने की अनुमति कोरोना प्रोटोकॉल के कारण नहीं मिली, और उसके बाद से दिल्ली के ही कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। लेकिन उस दौरान जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे वो RJD पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, और सोशल मीडिया पर RJD के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियां भी की गई। और उसके बाद भी जब उनका परिवार, शहाबुद्दीन का परिवार सिवान आ गया, उसके बाद भी कोई बड़ा नेता जल्दी जाकर मुलाकात नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव वहाँ जरूर जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी उनसे मुलाकात उन्होंने नहीं की है। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार JDU ने इस बात को लेकर तंज कसा था RJD पर कि जिस नेता ने RJD के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस नेता को देखने थे, उस नेता के परिवार से मिलने, उन्हें संवेदना प्रकट करने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे थे। और उसको लेकर बताया ये जा रहा है कि शहाबुद्दीन के समर्थकों में ये गुस्सा काफ़ी ज़्यादा अभी भी भरा पड़ा है, जो कभी कभी सोशल मीडिया में दिखाई भी देता है। शहाबुद्दीन को लेकर बिहार में खासकर मुस्लिम जो समुदाय है उसमें एक सिंपैथी की भावना है, और ये बताया जाता है कि शहाबुद्दीन एक बड़े नेता थे जो मुस्लिम समुदाय को एकजुट रखने के लिए काम करते थे, और उनके नाम पर वोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। हाल के दिनों में भी हमने देखा कि उनके निधन के बाद मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा RJD से नाराज हो गया था, और उसी नाराज़गी को भुनाने की कोशिश अब JDU करते नज़र आ रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हीना साहब से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उन्हें JDU में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश JDU पिछले चुनाव के बाद से ही लगातार कर रही है। बड़े बड़े नेताओं को अपने में शामिल कराना, छोटी छोटी पार्टियों के विधायकों को तोड़ लेना, उस समाज के किसी नेता को अपने में शामिल करा लेना जिसका एक खास समुदाय में वोट हो, और शहाबुद्दीन भी उसी एक खास समुदाय के वोट बैंक की तरह JDU को नज़र आ रहे हैं। ये बताया जाता था कि RJD सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट लेती है, लेकिन JDU भी उस मुस्लिम वोट में से कुछ हिस्सा नीतीश कुमार के नाम पर छीन लेती थी। लेकिन जब 2017 में महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने BJP के साथ एक बार फिर गठबंधन किया, उसके बाद जो उनका थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक था वो फिर से छिटक कर RJD के साथ चला गया, ये माना जाता है। उसी मुस्लिम वोट को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की कवायद अब नीतीश कुमार तेज करते नज़र आ रहे हैं। अगर शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हीना साहब या फिर उनके बेटे ओसामा दोनों ही JDU में शामिल होते हैं तो RJD के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा और JDU के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन एक और सवाल इसमें खड़ा होता है कि जिस हीना साहब के नाम को लेकर सिवान में जब चुनाव प्रचार करने नीतीश कुमार जाते थे तो कहते थे कि अगर हीना साहब एक बार फिर से चुनाव जीत गई तो सिवान में एक बार फिर आतंक का राज आ जाएगा, क्या उस हीना साहब को अपने पाले में लाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं? और दूसरा सवाल शहाबुद्दीन के परिवार से जुड़ा हुआ है। शहाबुद्दीन मरते दम तक एक ही बात कहते रहे कि उनके एक लौते नेता लालू प्रसाद यादव हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने कभी भी नेता नहीं माना और सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिया है। ऐसे में क्या उनका परिवार लालू प्रसाद यादव को छोड़कर
जेडीयू के साथ जाएगा, ये काफ़ी गंभीर सवाल है जिसका जवाब आगे जाकर मिलेगा। अभी फिलहाल अफवाहों का दौर जारी है, केवल अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब और ओसामा को जेडीयू में शामिल कराने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू के पाले में आ सके। लेकिन अभी तक ओसामा या फिर शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, ऐसे में ये केवल अटकलें और कयास ही बताए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ओसामा हो या फिर उनके परिवार हो, हिना साहब हो, जिस प्रकार से उन्होंने आरजेडी के रुख पर अपनी चुप्पी साध रखी है, ये अटकलें और ज़्यादा बढ़ते चली जा रही हैं। अब जब तक उनके तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है, ये अटकलों का जो अभी दौर है वो जारी रहेगा। लेकिन अगर हिना साहब और ओसामा जेडीयू का दामन थामेंगे तो ये जेडीयू के लिए एक बड़ी जीत तो ज़रूर होगी, लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ा नुकसान भी साबित हो सकता है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्या ये अटकलें आगे चलकर सही होती हैं या फिर जैसा कि आरजेडी कहती रही है कि हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये या आरजेडी का बात सही होता है या फिर जो अटकलें जेडीयू और हिना साहब के संबंधों को लेकर की जा रही है वो सही होती है। अब ये देखना बाकी है आगे का दौर में क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलते नज़र आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।